ऐसे तो देखिए बच्चों, जो रेडियस होता है वो सिर्फ सर्कल के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम किसी भी जनरल कर्व का भी रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप ये जानते होंगे कि अगर हम कोई भी तीन अलग अलग पॉइंट ले लें तो उनको मिला के एक यूनिक सर्कल बनाया जा सकता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होता है, ये यहां पर देखें आप। जैसे मान लीजिए कि ये आपका इस तरह का कोई एक कर्व है। अब ये ऑब्वियसली सर्कल तो है नहीं, रैंडम कर्व है। अलग अलग जगह जो है अलग अलग उनका कर्वेचर आपको दिख रहा है। तो मैं किसी भी पॉइंट पे चाहूं, जैसे मान लो इस पॉइंट पे मैं चाहूं, इस पॉइंट का मैं रेडियस निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसके आसपास के दो, एक एक जस्ट इधर का पॉइंट ले लूंगा, एक जस्ट इधर का पॉइंट ले लूंगा। अब ये तीन पॉइंट मुझे मिल गए और इन तीनों को मिला के मैं एक सर्कल बना सकता हूं। उस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। यहां पर भी कोई एक पॉइंट, अगर मुझे यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो इसके अगल बगल के एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर लेके मैं एक सर्कल यहां भी बना सकता हूं। यहां यहां निकालना है मुझे, मैं एक सर्कल यहां भी बना सकता हूं, ऐसा भी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फिजिक्स के हिसाब से मतलब ये हुआ कि एक ऐसे सर्कल का रेडियस जो उस कर्व में जस्ट फिट हो जाए। जैसे यहां पर जो सर्कल फिट होगा वो छोटा होगा, यहां थोड़ा बड़ा होगा, यहां और बड़ा होगा। इस जगह पे हो सकता है कि और भी बड़ा सर्कल मुझे यहां पर फिट हो जाए। तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब यहां पर ये है कि एक ऐसा सर्कल जो उस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे जाकर के जस्ट फिट हो जाए, उसका जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। तो मैं इसको मतलब समझा तो मैंने आपको दिया कि भाई जैसे किसी भी जगह पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो वहां पे जो सर्कल फिट हो जाएगा उसी सर्कल का रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो मैं यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग ROC भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ROC बोला जाता है इसको, इज रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल विच जस्ट फिट एट द गिवन पॉइंट, जस्ट फिट एट द गिवन पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उस सर्कल का रेडियस है जो जो उस गिवन पॉइंट पे जस्ट फिट हो जाता है, उस जगह पे जाके एकदम से फिट हो जाता है, तो उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। तो अभी जैसे देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मुझे निकालना है तो जैसे ये वाला पॉइंट मान लें, यहां पर देखें, ये मान लें वी वेलोसिटी से जा रहा है, सेंटर के डायरेक्शन में जो भी एक्सेलरेशन होता है उसी को हम लोग AC बोलते हैं। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो AC की जो वैल्यू आएगी, AC इसको हम V² / R बोलते हैं, इसी AC को हम ये परपेंडिकुलर बोल देते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिक फाई करने के लिए AC का मैंने एक नया नाम रख दिया, A परपेंडिकुलर। A परपेंडिकुलर का मतलब एक्सेलेरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो V² / R इज इक्वल टू AC, AC को हम A परपेंडिकुलर अगर बोले तो R किसके बराबर जाएगा, V² / A परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो ए परपेंडिकुलर क्या है मैं यहां लिख देता हूं, बल्कि थोड़ा इस तरफ मैं लिखता हूं। ए परपेंडिकुलर का मतलब मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। एक्सेलेशन ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये परपेंडिकुलर जो है वो पार्टिकल का एक्सेलेशन है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये ए परपेंडिकुलर अगर हमें पता है तो हम किसी भी पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए जैसे मैं कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस आप करेंगे। सपोज करिए कि एक पार्टिकल है जो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका गया है, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल फेंका गया, ऐसे जाके रुकेगा, ठीक है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द ROC
आर ओ सी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाइएस्ट पॉइंट, फाइंड द आर ओ सी एट द हाइएस्ट पॉइंट, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका हाइएस्ट पॉइंट पर है वो आपको बताना है। तो हाइएस्ट पॉइंट पर अगर आप देखेंगे जैसे ये यू वेलोसिटी से जा रहा है तो यू का जो इधर कंपोनेंट आएगा हाइएस्ट पॉइंट पर यू कॉस थीटा आएगा, एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे की तरफ ही होता है तो जी होगा। ध्यान से देखें तो ये सारा का सारा एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो अब परपेंडिकुलर है तो फिर पूरा ही एक्सेलेरेशन हम यहां पर लेंगे तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी, ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये आर की वैल्यू आ गई, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये आर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया, इसी के अंदर एक और छोटा सा सवाल, इसी के अंदर फाइंड द आर ओ सी जस्ट आफ्टर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंड आर ओ सी जस्ट आफ्टर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। फाइंड आर ओ सी जस्ट आफ्टर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट करने के तुरंत बाद आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बताएं। ठीक है, एक मिनट का पॉज लीजिएगा फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। जैसे ही हमने इसको फेंका तो आर ओ सी की जो डेफिनेशन है वो तो वही है वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ठीक, फेंकते ही इसकी वेलोसिटी यू के बराबर है, एक्सेलेरेशन तो हमेशा ही जी डाउनवर्ड होगा, लेकिन यहां पर ए परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि एक्सेलेरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो अब एक्सेलेरेशन का अगर देखें इधर आ रहा है तो हमें उसका ये वाला कंपोनेंट चाहिए होगा। देखिए ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, इन दोनों का जोड़ 90 तो ये थीटा हो जाएगा, तो जी का इधर कंपोनेंट कितना जाएगा जी कॉस थीटा, तो ये v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन g cos थीटा, ये आ जाएगा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो जाएगा v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, तो ये v स्क्वायर अपॉन g cos थीटा हो जाएगा। एक और इसी के अंदर सवाल बनता है, छोटा सा सवाल है, मैं इसको जब तक डिलीट मारता हूं तब तक आप जो है नोट कर लीजिएगा। सवाल क्या है, क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का पार्ट है, फाइंड द आर ओ सी वेन वेलोसिटी, फाइंड द आर ओ सी वेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाई टू विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड आर ओ सी इवन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाई टू विद द हॉरिजॉन्टल, रेडियस ऑफ कर्वेचर उस समय बताएं जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बाई टू एंगल बनाता है। फाइंड द आर ओ सी इवन पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा बाई टू विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जब ये थीटा बाई टू एंगल बना रहा है उस समय आपको आर ओ सी बताना है। दो मिनट का पॉज लीजिएगा फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखिए। देखिए भाई, जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बाई टू एंगल बना रहा है तो उस समय इसकी जो वेलोसिटी है वो मुझे पता नहीं, मैंने वी मान ली, फेंका आपने यू से था लेकिन उसकी वेलोसिटी वी मान ली। अब ये बताएं वी और यू में रिलेशन कैसे आएगा, सोचें यू और वी में रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बराबर करना पड़ेगा। जैसे ये एंगल थीटा के बराबर है, ठीक है, तो वी कॉस थीटा बाई टू ये u cos थीटा के बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं, ये मेरे पास एक्स्ट्रा जानकारी है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जैसे इसका एक्सेलेरेशन g के बराबर है तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो v स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी मैं यहां से लिखता हूं, v की वैल्यू हो गई है u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई टू इसका होल स्क्वायर। अच्छा, जी का इधर जो कंपोनेंट आएगा, देखिए भाई ये थीटा बाई टू है तो ये 90 माइनस थीटा बाई टू, तो ये वाला एंगल थीटा बाई टू हो जाएगा, ये जो एंगल आएगा ये थीटा बाई टू हो जाएगा और जी का इधर कंपोनेंट आ जाएगा जी कॉस थीटा बाई टू, हो गया जी कॉस ऑफ
थीटा बाई टू। हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा बाई टू। यह आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा बाई टू। यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का। एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर है पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी, और उसका एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन नहीं बदलता, वेलोसिटी तो भले भाई एक्सेलेरेशन होगा तो वेलोसिटी तो खैर बदलेगी ही, लेकिन एक्सेलेरेशन बता रहे हैं कि एक्सेलेरेशन जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट है। तो मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन, एक्सेलेरेशन इज कॉन्स्टेंट, एक्सेलेरेशन इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन इज कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फाइंड द मिनिमम आरओसी इन सब्सिक्वेंट मोशन, फाइंड द मिनिमम आरओसी इन सब्सिक्वेंट मोशन। जो आगे का मोशन है उसके अंदर कम से कम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉसिबल है। पार्टिकल बाई एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी है और दोनों तिरछे हैं, तो पार्टिकल किसी कर्व पाथ में ही चलेगा। अब कर्व पाथ में चलेगा तो यही आपको बताना है कि इस पूरे प्रोसेस में जो कम से कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका, जो भी कम से कम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिनिमम जो होगा वो आपको बताना है। तो अब अगर मुझे मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डेफिनेशन आई थी वो यही तो आई थी, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, ये डेफिनेशन आई थी। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि आर को कम से कम कर दूं तो इसको कम से कम करने के लिए मुझे वेलोसिटी को कम से कम करना पड़ेगा और एक्सेलेरेशन को ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये चीज है, इसको मैं मिनिमम करना चाह रहा हूं। मिनिमम करने के लिए नीचे वाला बहुत बड़ा कर दूं, ऊपर वाला बहुत छोटा कर दूं, तो अपने आप छोटा हो जाएगा। तो मैं कम से कम करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे वेलोसिटी कम से कम चाहिए जो इस पूरे प्रोसेस में हो, और एक्सेलेरेशन अधिक से अधिक चाहिए। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो एक्सेलेरेशन है मैं इसके दो कंपोनेंट कर लेता हूं, सॉरी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेता हूं। एक ये वाला कंपोनेंट 10, ये 20 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा, तो 10 cos 60 इधर आएगा, 10 cos 60 का मतलब 5, और इधर आ जाएगा 10 sin 60 का मतलब 5√3। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है, ये जो एक्सेलेरेशन है, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो इस वाली वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, 10 साइन 60 के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एक्सेलेरेशन इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो इस वेलोसिटी को तो चेंज कर ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन ये जो एक्सेलेरेशन है वो इस वाली वेलोसिटी के अपोजिट है, तो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी इधर एक्सेलेरेशन इधर, तो ये एक्सेलेरेशन इस वेलोसिटी को कम करेगा, और कम करते 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 कितना कर सकता है, कम से कम 0 कर सकता है। एक्सेलेरेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी घटेगी, तो ये वाली वेलोसिटी घट, इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी घटते घटते 0 हो जाएगी, 0 होने के बाद फिर नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन ये वाली जो वेलोसिटी है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम लोग जानते हैं ना, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यानी जो एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो नहीं बदलती, तो ये एक्सेलेरेशन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये है तो ये नहीं बदलेगी, सिर्फ यही वाली वेलोसिटी बदलेगी। और हम चाह रहे हैं कि वेलोसिटी कम से कम हो जाए, तो कम से कम जो वेलोसिटी होगी जब ये वाली 0 होगी तो ये तो इतनी तो बची ही रहेगी, तो कम से कम जो वेलोसिटी आएगी वो 10 sin 60 के बराबर होगी, तो ये 10 sin 60 के बराबर होगी। अच्छा, जब वेलोसिटी मिनिमम होगी उस समय एक्सेलेरेशन पूरा पूरा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा, कंपोनेंट हमें नहीं करना पड़ेगा, पूरा पूरा एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो उसी समय एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो 10 साइन 60 का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 5√3 का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 75/4। तो एक्सेलेरेशन, तो रेडियस की जो वैल्यू आएगी ये 75/4 के बराबर आ जाएगी, आर जो होगा वो 75/4 के बराबर आ जाएगा, तो इस तरह से आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हमें मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो हम वी को कम से कम करेंगे, ए को ज्यादा से ज्यादा कर देंगे, तो वी कम से कम जो है वो इस तरह से आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप मतलब थोड़ा जल्दी करना चाहते थे तो एक तरकीब इसके अंदर हम लगा सकते हैं, बड़ी सिंपल सी तरकीब है। आप तो इसको मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन मान लो, और ये मान लो कि प्रोजेक्टाइल आपने 10 से फेंका है और एक्सेलेरेशन जो है वो 4 के बराबर है, प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करो तो फट से हो जाएगा,
मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछा है ऊपर ही होगा, ऊपर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 10 sin 60 sorry 10, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये 30 आएगा, 30 आएगा तो ऊपर वाली वेलोसिटी आ जाएगी 10 cos 30, और एक्सेलेशन उस समय पूरा पूरा 4 ही होगा, तो ये कम से कम है वेलोसिटी, एक्सेलेशन ज्यादा से ज्यादा उस समय पूरा परपेंडिकुलर है, तो सीधे वही 10 cos 30 का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब आप इसको एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ट्रीट कर लो कि भाई पैसे फेंका, एक्सेलेशन इधर है, एक्सेलेशन हमेशा कांस्टेंट है, तो यहां पर मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, तो इस तरह से भी आप सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फार्मूला भी बनता है, वो जो फार्मूला होता है वो मैथ्स में जब जनरल आप टेंजेंट नॉर्मल कर्व्स पढ़ेंगे कैलकुलस के अंदर तब आएगा, तो अभी फिलहाल हम लोग इस बारे में बात नहीं करने वाले, हम लोग तो फिजिक्स के हिसाब से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था उसका मतलब निकालेंगे। अच्छा, अगर एक बात नोटिस करें तो अभी तक जो भी हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे थे, जो कुछ भी पढ़ रहे थे फिजिक्स के अंदर हम लोग, वो सिर्फ काइनेमेटिक्स था। काइनेमेटिक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, वेलोसिटी निकाल रहे थे, एक्सेलेरेशन निकाल रहे थे, उनके रिलेशन निकाल रहे थे। लेकिन अब हम लोग सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स पढ़ेंगे। डायनेमिक्स का मतलब उसके अंदर जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। डायनेमिक्स जैसे मैंने जब आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाया था तो खूब ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलेरेशन फलाना ढूंढका खूब हुआ था। उसके बाद जब हमने पूरा काइनेमेटिक्स आपको पढ़ा दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, तो फिर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे आए। तो बेसिकली वो डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स का मतलब जो फोर्सेज इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उन फोर्सेज की जो एनालिसिस है उसी को हम लोग डायनेमिक्स कहते हैं। तो हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखने जा रहे हैं। अब सर्कुलर मोशन का जो डायनेमिक्स है अगर हम उसको देखें तो जैसे सपोज करिए कि एक कोई पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है। अब ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, अब ये जब सर्कल में घूमेगा तो इसकी स्पीड पता नहीं बढ़ रही है कि घट रही है कि कांस्टेंट, हमें कुछ नहीं पता है। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक एक्सेलेरेशन इधर हो जिसे हम एटी बोलते हैं, और एम एटी अगर हम बोल देंगे तो ये जैसे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन था तो टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, और एक एक्सेलेरेशन उसके पास इधर हो एसी, और एम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एम एसी हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है इसका सेंटर के डायरेक्शन में एक फोर्स इसके ऊपर एम एसी लग रहा होगा, और टेंजेंट के डायरेक्शन में एक फोर्स इसके ऊपर एम एटी लग रहा होगा। सेंटर के डायरेक्शन में एम एटी, टेंजेंट के डायरेक्शन में एम एसी, ये इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है। अब यहां से बातें शुरू होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी होता है डीवी बाई डीटी, और अगर स्पीड कांस्टेंट रह गई, वी कांस्टेंट रह गया तो एटी जीरो हो जाएगा, तो एटी इज इक्वल टू जीरो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डीवी बाई डीटी जो है वो जीरो के बराबर जाएगा, तो एटी की वैल्यू भी जीरो के बराबर आ गई। अब एटी जीरो के बराबर आ गया तो टेंजेंशियल फोर्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एसी जीरो हो जाए। एसी होता है वी स्क्वायर बाई आर, सर्कल है तो रेडियस होगा ही होगा, और वेलोसिटी जीरो अगर हो गई तभी एसी जीरो हो सकता है, और वेलोसिटी जीरो होने का मतलब कि भाई पार्टिकल का मोशन ही खत्म हो गया। तो जब मोशन ही नहीं तो सर्कुलर मोशन की बात करना तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना। तो ये एसी जो है ये जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी अगर हम जीरो करेंगे तो जो एसी आएगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। अगर हम वेलोसिटी को जीरो कर देंगे तो एसी जीरो आ जाएगा। तो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब मोशन ही खत्म हो गया, तो सर्कुलर मोशन भी खत्म हो गया। यानी कि अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो ये निश्चित है। सर्कुलर मोशन अगर पार्टिकल करेगा तो ये निश्चित है, निश्चित शब्द में बोल रहा हूं कि सेंटर के डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा, क्योंकि सेंटर के डायरेक्शन में भाई फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब एसी जीरो हो जाए। एसी जीरो का मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब मोशन ही खत्म हो गया, तो सर्कुलर मोशन भी खत्म हो गया। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये निश्चित है कि सेंटर के डायरेक्शन में उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्सेस जरूर लग रहे होंगे।
हो सकता है सेंटर के जरा रस्सी से बांध के हम घुमा रहे हो, या कार चल रही हो फ्रिक्शन के कारण, या सैटेलाइट ग्रेविटी के कारण घूम रही हो, लेकिन अगर कोई ना कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर के डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से। मतलब इस बात को हमेशा आपको चेक करना पड़ेगा, हर सर्कुलर मोशन में डायनेमिक्स में आपको यही चेक करना होगा कि सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स कितना है। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स निश्चित रूप से होगा, ये कंफर्म है। तो इस बात को मैं लिख रहा हूं, इफ ए पार्टिकल परफॉर्म्स, इफ ए पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, इफ ए पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, इफ ए पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, देन देयर मस्ट बी ए फोर्स और फोर्सेस। If a particle performs circular motion, then there must be a force or forces towards the, then there must be a force or forces towards the center of the circle. Of the circle. अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये कंफर्म है कि सेंटर टेंजेंट के डायरेक्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो स्पीड कांस्टेंट है तो ए टू जीरो, तो इधर कोई फोर्स नहीं होगा, लेकिन सेंटर के डायरेक्शन में फोर्स अगर नहीं रहा तो फिर वो मोशन सर्कुलर मोशन रह ही नहीं जाएगा। तो अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर के डायरेक्शन में जो भी नेट, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स जरूर आएगा, और वो सेंटर के डायरेक्शन में ही आएगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो सेंटर के डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्स होता है उसे हम सेंट्रिपिटल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे इसके अंदर, जैसे अगर यहां पर एक बात तो ये आ गई कि परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो देयर मस्ट बी ए फोर्स और फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटीपिटल फोर्स, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि भाई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टेंजेंशियल फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एटी जीरो भी हो सकता है, नहीं भी जीरो हो सकता है। लेकिन अगर सेंटर के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा तो एसी जो है वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो अगर एसी जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो मोशन ही खत्म हो जाएगा। यानी कि पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर हाल में सेंटर के डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा, कोई ना कोई फोर्स सेंटर के डायरेक्शन में होगा। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर काट रहा है प्रोटॉन के चारों ओर, तो सेंटर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अगर कोई कार जो है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सर्कल में घूम रही, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको सर्कल में घुमा रहा है। अगर कोई प्लैनेट सूरज के चारों ओर चक्कर काट रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सर्कल में घुमा रहा है। इस तरह से कहीं भी अगर कोई सर्कुलर मोशन होगा तो ये निश्चित है कि सेंटर के डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स होगा। अब यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, इसके बारे में अभी आपको ये भी बताऊं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको सुन करके बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, और ये जो कंफ्यूजन है वो बच्चों ने क्रिएट नहीं किया है, ये बुक्स और हम लोगों ने क्रिएट किया है। हम लोगों ने भी नहीं किया है, लेकिन चीज को सही से समझ ना पाने के कारण, ध्यान ना देने के कारण। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि जैसे किसी बॉडी के ऊपर मान लो सेंटर के डायरेक्शन में 12 फोर्सेस लग रहे हैं, या हो सकता है सेंटर के डायरेक्शन में 5 फोर्सेस लग रहे हो, तो उन पांचों फोर्सेस का जो नेट सम होगा, यानी वेक्टर सम होगा, उसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कि कोई भी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर के डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा सेंटर के डायरेक्शन में, ठीक है, उसी को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं द रिजल्टेंट ऑफ resultant of all the forces towards the resultants of all the forces towards the center of the circle, the resultant of all the forces towards the center of the circle is called centripetal forces, centripetal force।
The resultant of all the forces towards the center of the circle is called centripetal force. सेंटर के डायरेक्शन जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका सेंटर के डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट होता है उस रिजल्टेंट को हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। अब देखें इसका मतलब क्या है। ये बॉडी सर्कल में घूम रही है, ये बॉडी सर्कल में घूम रही है, सेंटर के डायरेक्शन में एक एफ वन लग रहा है, एफ टू लग रहा है, एफ थ्री लग रहा है, बहुत सारी फोर्सेज लग रहे हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ जो कहता है वो कहता है सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए, यही तो कहता है। तो सेंटर के डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का जो रिजल्टेंट है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एफसी से दिखाते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम एफसी बोलेंगे। तो सेंटर के डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का जो रिजल्टेंट है वो एफसी के बराबर होता है। एफसी हो जाएगा एम इंटू एसी और एसी जो है ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय आर। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो एम बी स्क्वायर बाय आर होगा। कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है, बच्चे ये समझते हैं कि ये एम बी स्क्वायर बाई आर फोर्स सेंटर के डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसा नहीं है, ये एम बी स्क्वायर बाई आर सेंटर के डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। सेंटर के डायरेक्शन में तो फोर्सेज एफ वन एफ टू एफ थ्री जो लग रहे होंगे सो लग रहे होंगे, उन सबका रिजल्टेंट ये है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे सपोज करिए मान लीजिए ये एफ वन इधर लग रहा है, एफ टू इधर लग रहा है, हम इक्वेशन लिखते हैं एफ वन माइनस एफ टू इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पर बताइए फोर्स क्या है, एम ए फोर्स है कि एफ वन एफ टू फोर्स है। यहां पर जो फोर्स होगा वो एमए थोड़ी होगा, ये एफ वन एफ टू फोर्सेस हैं, उन सबका जो रिजल्टेंट है वो एमए के बराबर है। उसी तरह सेंट्रीपिटल में है, भाई इधर से टेंशन लग रहा है, इधर से चार्ज का फोर्स लग रहा है, इधर से फ्रिक्शन, कई सारे फोर्सेस मान लो लग रहे हैं, उन सबका जो रिजल्टेंट होगा वो एमए के बराबर होता है, एमए के बराबर होता है। अब ए इसका हमने निकाला था, भाई प्रूव किया था कि बी स्क्वायर बाय आर होता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये एम बी स्क्वायर बाई आर कोई अलग से ऐसा फोर्स नहीं है जो एक्ट करता है, एम बी स्क्वायर बाई आर सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है। जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका जो रिजल्टेंट है सेंटर के डायरेक्शन में वो एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। तो ये अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन भी है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसमें हम लोग कुछ छोटे छोटे सवाल कर सकते हैं, ठीक है ये न्यूटन्स लॉ ही, न्यूटन्स लॉ में भी नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन था, इसमें भी यही रहेगा, तो ये है तो न्यूटन्स लॉ ही। एक छोटा सा सवाल देता हूं मैं करने के लिए, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक रस्सी बंधी हुई है, पार्टिकल रस्सी से बंधा हुआ है और पार्टिकल का मास एम के बराबर है। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, रस्सी से बंधा हुआ है और ये सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। तो आपको यही बताना है कि ये जो पार्टिकल है ना इसके ऊपर मतलब रस्सी में टेंशन कितना होगा। मैं लिख देता हूं द पार्टिकल रिवॉल्व्स ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पार्टिकल रिवॉल्व्स ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रीम स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो रस्सी का टेंशन बताओ। तो अगर हमें रस्सी का टेंशन निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जैसे n मान लेते हैं रस्सी का टेंशन, ठीक है, अच्छा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रिवॉल्व कर रहा है तो ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा। बोर्ड पे तो आपको ये ऐसे दिख रहा है लेकिन बोर्ड पे तो ऐसे हमें बनाना ही पड़ेगा, बोर्ड पे हॉरिजॉन्टल तो ऐसे बनाते तो आपको दिखता ही नहीं। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे ऐसे जमीन पे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इस पे mg लग रहा होगा अंदर की तरफ और नॉर्मल लग रहा होगा बाहर की तरफ, और ये mg और n ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे mg इस पे अंदर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, mg और n कट गए। अब सेंटर के डायरेक्शन में इसके ऊपर नेट फोर्स कितना बचा, टी। सेंटर के डायरेक्शन में नेट फोर्स टी है तो ये बराबर होगा मास इनटू सेंटर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। सेंटर के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर अपॉन एल। ये पार्टिकल की वेलोसिटी में मान ले रहा हूं, वी वेलोसिटी से चल रहा है तो सेंटर के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वी स्क्वायर बाई एल होगा, तो टेंशन एम वी स्क्वायर बाई एल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हैं।